नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज उत्तर प्रदेश में। फिल्मों के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर में भारत का डंका बजा है। भारत की झोली में दो अवार्ड्स आए हैं, इससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में खुशी की लहर है। आरआरआर के नाटू नाटू सॉन्ग ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग में ऑस्कर जीता, जबकि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने ऑस्कर अवार्ड पर कब्जा जमाया। ये दोनों अवार्ड्स जीतने से भारतीय सिने प्रेमी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड को जीतना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर व्यक्ति का सपना होता है। ये अवार्ड उन्हें नेम फेम की ऊंचाई के मुकाम पर ले जाता है, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसे अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा फिल्म डायरेक्टर्स, एक्टर्स, राइटर्स जैसे फिल्म जगत से जुड़े प्रोफेशनल्स को उनके बेहतरीन काम को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसमें पूरी दुनिया से फिल्मों की एंट्री होती है, फिर कई दौर के सिलेक्शन प्रोसेस के बाद ये अवार्ड बाकायदा दिया जाता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ऑस्कर अवार्ड देने की शुरुआत कब और कैसे हुई। ऑस्कर अवार्ड जीतने पर विजेता को क्या मिलता है, ये वो सवाल हैं जो हर किसी के जहन में आते हैं। तो आइए जानते हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में कुछ अहम जानकारी। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1927 में हुई थी। तब उस वक्त के मोशन पिक्चर्स इंडस्ट्री के 36 सबसे प्रतिष्ठित लोगों ने इस अवार्ड को शुरू किया था। 1927 की शुरुआत में MGM स्टूडियो के हेड लुइस बी मेयर और उनके तीन गेस्ट एक्टर कॉनरेड नगेल, डायरेक्टर फ्रेड निब्लो और प्रोड्यूसर फीड बिल्टसन ने पूरे फिल्म उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए ऑस्कर अवार्ड्स देने की योजना बनाई थी। ऑस्कर अवार्ड जीतने पर मिलती है एक ट्रॉफी। ऑस्कर अवार्ड जीतने पर विजेताओं को एक ट्रॉफी मिलती है जो तांबे की बनी होती है। मूर्तिनुमा इस ट्रॉफी पर सोने की परत भी चढ़ी होती है। ऑस्कर ट्रॉफी 13.5 इंच यानी 34 सेंटीमीटर लंबी होती है। वहीं इसका वजन 8.5 पाउंड यानी 3 किलो 85 किलोग्राम होता है। इस ट्रॉफी में एक योद्धा की आकृति भी दिखाई देती है, जिसे 8 डेकों में बनाया गया है। ये योद्धा तलवार लेकर तिल्लियों वाली एक फिल्म रील पर खड़ा होता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जीतने पर कितना पैसा मिलता है। ऑस्कर को फिल्मी जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है, और आपको ये जानकर भी हैरत होगी, कि इसके विजेता को किसी भी तरह का कैश प्राइज नहीं दिया जाता, लेकिन ऑस्कर जीतने वाले की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है, यानी वो काम के लिए कितनी भी कीमत मांग सकता है। एक ऑस्कर अवार्ड को बनाने में तकरीबन $1,000 यानी करीब 82,000 रुपए की लागत आती है। और क्या आप जानते हैं कि विजेता ऑस्कर अवार्ड को बेच नहीं सकता, तो आइए इसके भी डिटेल में बातचीत करते हैं। दरअसल ऑस्कर विजेता को ट्रॉफी पर मालिकाना हक नहीं मिलता। विजेता किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में ट्रॉफी को बेच नहीं सकता। अगर कोई विजेता इस ट्रॉफी को बेचना चाहता है तो उसे इसी एकेडमी को ही इसे बेचा जा सकता है, जो इस ट्रॉफी को मात्र $1 में खरीदती है। ऐसे में ऑस्कर अवार्ड विजेता को सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन परोक्ष रूप से मालामाल बनाता है। नाटू नाटू की धुन पर झूम उठे लोग, मिला स्टैंडिंग ओवेशन। ना पाटा जुड़ो, ना पाटा जुड़ो, ना पाटा जुड़ो, नाटू 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 वीरा नाटू। 13 मार्च 2023 को अमेरिका में आयोजित 95वें एकेडमी अवार्ड समारोह में इंडियन फिल्म RRR के नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का ऑस्कर अवार्ड अपने नाम कर लिया। म्यूजिक कंपोजर MM कीरावणी ने नाटू नाटू के लिए ऑस्कर ट्रॉफी ली और सभी को नमस्ते कहा। ऑस्कर अवार्ड नाइट में सिंगर्स राहुल स्प्लीगुंज और काल भैरव ने स्टेज पर RRR के नाटू नाटू पर लाइव परफॉर्मेंस भी दी। इस दौरान स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग नाटू नाटू की धुन पर झूम उठे और गाने को स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला। द एलिफेंट विस्पर्स ने भी अवार्ड जीतकर रचा इतिहास। दूसरी ओर इस इवेंट में भारत की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म
द एलिफेंट विस्पर्स ने अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा की इस फिल्म को खूब प्यार दिया जा रहा है। इस अवार्ड को जीतने के बाद गुनीत मोंगा ने खास संदेश भी दिया। अवार्ड को जीतने के बाद गुनीत मोंगा ने कहा कि तमाम महिलाओं को सपने देखने का हक है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।